सो स्टूडेंट्स, ये मॉडल पेपर तैयार किया हमने साइंस सब्जेक्ट का, क्लास 8 का, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 50 मार्क्स का टोटल पेपर होगा बच्चों। पहले 10 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है ना, 1 मार्क का एक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, फुल सिलेबस नहीं है। पहले बस पैटर्न समझाने के लिए आपको एक पेपर बनाया है, ऐसे कुछ और पेपर हम और बनाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये लेसन नंबर 2 से लिया गया है। यीस्ट इज द यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का यूज़ किस चीज़ के प्रोडक्शन में होता है? तो यीस्ट का यूज़ होता है बच्चों अल्कोहल के प्रोडक्शन में। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर। सनलाइट क्या है? लिमिटेड है नेचर में, मैन मेड है, इनएग्जॉस्टिबल है या एग्जॉस्टिबल है? बच्चों चारों के मीनिंग देखते हैं। लिमिटेड है नेचर में, कम तो नहीं है, बहुत सारा है, सन का लाइट बहुत सारा है, इसलिए लिमिटेड तो नहीं कह सकते नेचर में। मेन मेड हमने नहीं बनाया इंसानों ने। इनएग्जॉस्टिबल ख़त्म होने लायक है? नहीं, ख़त्म होने लायक नहीं है, इसका मतलब यही इसका सही आंसर। इनएग्जॉस्टिबल जो ख़त्म नहीं हो सकता है, या होगा तो बहुत समय बाद होगा, तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है ये, जो ख़त्म तो होगा लेकिन बहुत लंबे समय के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती है ना, अच्छा इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, है ना, सॉरी लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, इजी टू स्टोर होना चाहिए, आसानी से उसको स्टोर कर सके हम लोग। ठीक है, तो इस टाइप का आइडियल फ्यूल अभी हमारे नज़र में सिर्फ LPG बच्चों जो आजकल घरों में सिलेंडर में यूज़ होता है, तो LPG इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4, अ बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इज कॉल्ड पिंक, गिनीज, रेड और वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक। कौन सी होती है बच्चों? तो रेड डाटा बुक आपने पढ़ी ही होगी, लेसन 7 में आता है ना, रेड डाटा बुक। टेडपोल डेवलप इंटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से वो टेडपोल जो होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे जो फ्रॉग्स में चेंज हो जाते हैं। क्या होता है मेटामॉर्फोसिस पता है आपको? मेटामॉर्फोसिस मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा चेंज आ जाना किसी भी स्पीसीज के अंदर, कुछ समय में बहुत जल्दी जल्दी चेंज होना, वो मेटामॉर्फोसिस होता है। जैसे कि टेडपोल होता है, आप कभी देखेंगे तो इतना छोटा रहता है एक फ्रॉग का जो बच्चा रहता है, इसको टेडपोल कहा जाता है, बहुत छोटा होता है लेकिन वो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो आंसर बी इज करेक्ट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर कहाँ होता है? देखो पहली बात तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होता है, मेल में नहीं होता है, तो ये नीचे के 2 ऑप्शन तो रॉन्ग ही हो गए, मेल बॉडी और मेल बॉडी। ऑप्शन है इन फीमेल बॉडी या आउटसाइड फीमेल बॉडी, क्योंकि ये एक्सटर्नल है बच्चों, बाहर यानी आउटसाइड इसका सही आंसर है, तो फीमेल बॉडी के आउटसाइड बाहर की तरफ होता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज, कॉन्टैक्ट फोर्स का एक एग्जाम्पल बताना है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल बच्चों मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स टच नहीं होता, दूर से लग जाता है। मैग्नेटिक फोर्स आपने देखा होगा, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को दूर से खींच लेती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो अर्थ के अंदर होता है, ग्रेविटी होती है, वो जो सब चीज़ों को अपनी ओर खींच के रखती है, जरूरी नहीं वो टच में हो, दूर से भी खींच लेती है। इसका मतलब मस्कुलर फोर्स ही है कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जो बिल्कुल टच में होने पर लगता है, जैसे आपको किसी को धक्का देना है तो आप उसको टच करोगे तो ही दे पाओगे। ठीक है ना, तो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी टचिंग फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स इज द टचिंग फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स। 8, अ हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन इज सीक्रेटेड बाय, यहाँ पर इसका आंसर पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। बच्चों इसके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, है ना, बट हमारे जो ऑप्शन है इनमें पिट्यूटरी ग्लैंड इज द करेक्ट आंसर। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड, ग्रेन्स को चाफ में से अलग करना, चाफ यानी जो घास होती है ना जिसके अंदर ग्रेन्स जैसे कि होते हैं, उनको थ्रेशिंग, तो थ्रेशिंग वो प्रोसेस है बच्चों, है ना, ग्रेन्स को चाफ में से रिमूव करना थ्रेशिंग कहलाता है। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इज हाउस फ्लाई, घर की जो मक्खियां होती है बच्चों हाउस फ्लाई कहते हैं इनको, ये मक्खियां सबसे ज्यादा नुकसान देती हैं हमें, ये बहुत सारी डिसीजेस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाती है। तो बच्चों ये 10 तो आपके
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, यानी 10 मार्क्स आपने कर लिए हैं। ठीक है, ये एक मॉडल पेपर है बच्चों, फिर बता दूं आपको एक्सपेक्टेड है, ये हम अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब हम इसके पीछे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको 11 नंबर से 20 तक, ईच कैरी 3 मार्क्स, मतलब हर एक के 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी स्टोर फूड ग्रेन, हम फूड ग्रेन को कैसे स्टोर करते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमने कुछ आंसर रेडी किए हैं, जैसे कि ये हाउ डू वी स्टोर फूड ग्रेन्स। सो ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, मतलब नीम की सूखी पत्तियां जो होती हैं उनका भी यूज करते हैं घर में फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है क्लास, फिर से एक बार सुन लीजिए। ड्राइड नीम लीव्स जो हैं यूज होती हैं स्टोरिंग फूड ग्रेन के लिए घरों पर एट होम, बट फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी, लार्ज यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ग्रेन्स को हमें स्टोर करना है बड़े बड़े गोडाउन में, तो स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, कुछ स्पेशल केमिकल होते हैं उनका यूज़ करते हैं, है ना, किस लिए, टू प्रोटेक्ट फूड ग्रेन फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए। ठीक है, चलिए वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 3 यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स, मतलब हमारी ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, ये कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे लाइफ में। सो बच्चों पहला यूज है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लैक्टोबिलस। ठीक है, तो लैक्टोबिलस अ बैक्टीरियम इज यूजफुल इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही के जमने में, कर्ड के जमने में हेल्प करता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 या 4 लिख दो, काफ़ी हो जाएगा आपका। अगला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड चीज, ब्रेड और चीज़ जब बनाते हैं बच्चों तो वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, वो हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों जो एटमोसफियर की नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन प्लांट के काम की नहीं होती है, जो हवा के अंदर मिक्स है, आपको पता ही होगा कि 78% ऑक्सीजन हमारे एयर के अंदर होती है, पर वो हमारे लिए डायरेक्ट काम के नहीं है, तो उसको फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, फिक्स करने का काम कुछ बैक्टीरियाज ही करते हैं बच्चों, तो ये इस वे में भी यूजफुल है। एक और बताया था आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, बहुत पुराने समय से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, एल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये 3 या 4 आंसर लाइन्स आप लिख दोगे तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा और फ्योना में डिफरेंस हमको देना है। तो बच्चों ये रहा इसका आंसर, फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा आर द प्लांट फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, फ्लोरा किसको कहते हैं बच्चों, किसी पर्टिकुलर जगह पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, दैट आर कॉल्ड फ्लोरा। और फ्योना आर द एनिमल्स, इसमें डिफरेंस है कि ये प्लांट के लिए, ये शब्द प्लांट के लिए यूज होता है और ये शब्द होता है एनिमल के लिए। फौना आर द एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, फौना क्या है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी विशेष जगह पर पाए जाते हैं। साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरा, ये कुछ एग्जाम्पल है फ्लोरास के जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे कि साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इटीसी। और इसी के अलावा चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग एंड वोल्फ आर एग्जाम्पल ऑफ फ्योना, और ये कुछ एग्जाम्पल है फ्योनास के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल,
डिफॉरेस्टेशन की वजह से, इस क्वेश्चन को समझो पहले, एक्सप्लेन मतलब बताइए हाउ यानी कैसे डिफॉरेस्टेशन लीड्स, डिफॉरेस्टेशन आगे बढ़ावा दे रहा है किस चीज़ को, रिड्यूस्ड रेनफॉल मतलब बारिश के कम होने को बढ़ावा दे रहा है कौन, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों का कटना, जंगलों का ख़त्म होना, तो कैसे कर रहा है ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फियर। मीनिंग क्या है बच्चों कि डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, CO2 का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर से, विच रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग मतलब हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज CO2 ट्रैप करना मतलब सोख लेना, जैसे हम हमारे कहीं पर पानी फैला और हम कपड़ा डाल के उसको क्या करते हैं, सोख लेते हैं, उसी टाइप से CO2 जो है वो हीट को, गर्मी को सोख लेती है ना। तो CO2 ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन रेज, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन अर्थ, और इससे क्या हो रहा है, हीट सोखने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। विल डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जिससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, एंड रिड्यूस रेनफॉल कॉजिंग ड्रॉट इन द रीजन, और जिससे कि रेनफॉल कम होता है और कहीं कहीं पर तो ड्रॉट यानी सूखा ही आ जाता है। क्लियर है क्लास, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग अ टूल, मतलब जब कोई औजार बनाता है कोई ब्लैक स्मिथ यानी लोहे का काम करने वाला, तो जब भी वो टेबल मतलब हॉट पीस से अगर कोई टूल बनाता है तो हैमरिंग करता है बच्चों, तो हाउ डज द फोर्स ऑफ हैमरिंग, हैमरिंग का फोर्स कैसे उस आयरन के पीस को इफेक्ट करता है, क्या उसमें चेंज लाता है, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर है कि हैमरिंग करने से यानी बहुत ज़्यादा हथौड़ी की मार से द शेप ऑफ द हॉट पीस ऑफ आयरन, मतलब जो गर्म लोहे का पीस है जो टुकड़ा है उसका शेप जो है वो बदल जाता है, इट फ्लैटन्स मतलब वो एक प्लेट की तरह हो जाता है, चादर जैसी होती है ना बच्चों, फ्लैट होना, फ्लैट होना मतलब कि एक पेज के जैसे पेज है तो इस पेज का आकार का मतलब पतला होने लग जाता है, फ्लैट, जैसे इस प्रकार का कोई वायर है अगर इस पर हैमरिंग करेंगे तो वो फ्लैट होने लग जाएगा, तो फ्लैटन्स मतलब फ्लैट होने लग जाता है, एंड बिकम थिनर मतलब पतला होने लग जाता है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू हैमरिंग द पीस ऑफ आयरन, ये इफेक्ट है फोर्स का, जो हमने हैमर से फोर्स लगा रहे ना, हथौड़े से फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको ड्रॉ करना है डायग्राम ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। बच्चों आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड जरूरी नहीं हर क्वेश्चन बुक के पीछे का देंगे, वो कुछ क्वेश्चन बुक के बीच में से भी दे सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बुक के एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ, ये हमने खुद ने तैयार किया है ना, कि आपको बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में उसके डायग्राम पूछे जा सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम बिल्कुल न्यू है, पीछे की जो जिन स्कूलों में पीछे एक्सरसाइज ही पढ़ाते हैं वो आपको कभी ये नहीं कराएंगे, वो आपको सिर्फ पीछे क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए ये वाले क्वेश्चन आपको करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें साफ साफ बता दिया था आप लोगों को कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो बुक के बीच के हो, तो आपको सभी की तैयारी करना है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, कुछ डायग्राम आपको बने हुए हैं, साइंस की बुक के 9 लेसन में पेज नंबर 107 पर ये आंसर्स बच्चों मिल जाएगा। तो बच्चों ये पेज नंबर 107 पर है, ये एक नॉर्मल अमीबा है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होता है बच्चों, सबसे पहला काम होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है दो पार्ट में ऐसे, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप ये आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, सेकंड स्टेप में आपको ऐसे दो बनाकर लिखना है डिवाइडिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं पर ये अभी भी जॉइंट है, और फोर्थ स्टेप में क्या होता है जो है ये दो यहाँ से कम्प्लीटली ब्रेक होकर दो अलग अलग अमीबा बन जाते हैं, मतलब एक हो जाता है डॉटर अमीबा और एक होता है मेन अमीबा, यानी देखा जाए तो वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ये फोर डायग्राम आपको बच्चों बना के देखना है, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, ये बुक के पेज नंबर 107 पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम, और हमें एक और डायग्राम आया कैंडल फ्लेम के ऊपर,
बुक के पेज नंबर 72 पर बच्चों इसका बहुत बढ़िया सा डायग्राम दिया है, इस डायग्राम का प्रैक्टिस करें। ये डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक है। सबसे पहले आउटर जोन होता है कम्प्लीटली, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है, हॉटेस्ट होता है। उसके बीच में मॉडरेटरी जोन आता है और सबसे नीचे लीस्ट हॉट जोन होता है, ठीक है, जो कि इनर मोस्ट जोन कहलाता है, जहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स या वेपर होते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप कर लेना, पेज नंबर इस पे ये डायग्राम है, मैंने बता भी दिया है तो कुछ समझाने लायक तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एलपीजी सॉरी सीएनजी ओवर एलपीजी एज अ फ्यूल, मतलब सीएनजी का यूज़ करना एलपीजी का कितना सही होगा फ्यूल की तरह, हम देखते हैं बच्चों। स्टूडेंट इसका आंसर मैंने लिख के रखा है, सीएनजी रिलीजेस लेस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब सीएनजी जो है वो कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकालती है, वाइल एलपीजी रिलीजेस CO2, जबकि एलपीजी से CO2 गैस निकलती है। इस वजह से एक अच्छी बात तो ये है कि सीएनजी कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैस निकालती है, ग्रीन हाउस गैस हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। फिर इन केस ऑफ स्पिल, मतलब अगर फैल जाए, सीएनजी क्विकली डिसिपेट्स, मतलब ये जल्दी से जल्दी फैल जाती है, बहुत जल्दी, वेयर एज एलपीजी सेटल ऑन द ग्राउंड, और एलपीजी जो है ज़मीन पर सेटल हो जाती है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा एलपीजी की वजह से बहुत घरों में ब्लास्ट हो जाता है, अगर गैस का सिलेंडर लीकेज हो जाए तो वो नीचे जम जाती है और फिर ब्लास्ट के साथ जलती है। तो इन कारणों की वजह से सीएनजी जो है वो बेटर है किससे, एलपीजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, फॉसिल फ्यूल को एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं, बच्चे इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट इन नेचर इन लिमिटेड क्वांटिटी, ये थोड़े कम मात्रा में होते हैं बच्चों, लिमिटेड होते हैं, एंड आर बीइंग एग्जॉस्टेड अबंडेंटली, और बहुत जल्दी, एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं, अबंडेंटली मतलब बहुत जल्दी जल्दी यूज हो रहे हैं। दैट इज़ वाई फॉसिल फ्यूल्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल नेचुरल सोर्स, इसलिए उनको एग्जॉस्टेबल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिमिटेड है और हम उनका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी के जल्दी फिनिश हो जाएंगे, इसलिए उनको क्या कहते हैं बच्चों, एग्जॉस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि कुछ स्टेप्स यहाँ लिखी है फार्मिंग की, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन की, जैसे सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, इरीगेशन करना, हार्वेस्टिंग करना, सोइंग बीज बोना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल तैयार करना, फ्लोइंग द फील्ड, मैन्योरिंग, इन प्रोसेस को हमको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट, इनसे इनको प्रॉपर ऑर्डर में जमा कर इनसे फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। किसके लिए, शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो बच्चों ये इसका आंसर है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सेंडिंग क्रॉप, इरीगेशन, हार्वेस्टिंग, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग द फील्ड, मैन्योरिंग, ये स्टेप को आपको लाइन से अरेंज करना, सबसे पहले कौन से स्टेप होगी, सबसे पहला काम होता है सॉइल को बनाना यानी तैयार करना प्रॉपर, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट स्टेप, ठीक है, जो नंबर 5 पे लिखी है। फिर 6 स्टेप इसके बाद आती है, प्लोइंग द फील्ड, फील्ड को प्लो करना, इसके बाद सोइंग, बीज बोना, तीसरे स्टेप हमारी सोइंग है, लेकिन क्वेश्चन में वो चौथे नंबर पे दे रखे। फिर आता है मैन्यूरिंग, खाद डालना, जो लास्ट स्टेप है वो चौथे नंबर की स्टेप, मैन्यूरिंग, खाद डालने के बाद हम इरीगेट करते हैं, पानी देते हैं, पानी देते हैं, देने से क्या होता है बच्चों, फसल बड़ी हो जाती है, क्रॉप बड़े हो जाते हैं, तो फिर उनको काट लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो हार्वेस्टिंग अगली स्टेप होगी, और हार्वेस्टिंग के बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, और उनको क्रॉप्स को शुगर फैक्ट्री में भेज देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, न्यू टाइप का है। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर खत्म होते हैं बच्चों, हम आते हैं लॉन्ग आंसर, जिनके मार्क्स अलॉटेड है 5 for each, एक क्वेश्चन 5 marks का आएगा, ठीक है। पहला है, पहले क्वेश्चन के 2 parts हैं, एक्चुअली क्या है, मैं पहले क्वेश्चन समझा दूँ फिर आंसर बताता हूँ। 21 क्वेश्चन में ए और बी 2 parts हैं, दोनों ही करना है, या फिर ये वाला क्वेश्चन पूरा अकेला करना है, ठीक है, और वाला। तो यहाँ पर 2 questions है, एक है वाई अ माउंटेनियर फेस नोज ब्लीडिंग इन हाई, ऐसा क्यों होता है बच्चों, तो मैं आपको पहले ओरली समझा दूँ कि जब माउंटेन्स पे जाते हैं बच्चों तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है,
जिससे कि हमारे ऊपर जितना प्रेशर ज़मीन पर लगता है हमारी बॉडी पर, उतना प्रेशर माउंटेन्स पर नहीं होता है। हवा का दबाव उतना तेज़ नहीं होता, इसलिए हमारे कुछ नोज़ में से ब्लीडिंग आ जाती है कभी कभी किसी किसी को। ठीक है, स्टूडेंट्स का आंसर हमने लिखा है द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेसर एट माउंटेन। मतलब क्या होता है, एयर जो है वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी मतलब जितनी एयर आपको यहाँ फील होती है उतनी एयर आपको हाई माउंटेन्स पर नहीं फील होगी, ध्यान रखना। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी को ऑक्सीजन तो उतना ही चाहिए जितना यहाँ चाहिए, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो हमारा हार्ट है ना, पम्प्स फैटर क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है वो ज़्यादा तेज तेज से पंपिंग करता है और ब्लड वेसल्स पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने से वजह से जो हमारी कैपिलरीज होती है नोज़ के अंदर वो फट जाती है और उसके अंदर से ब्लड आना लग जाता है। क्लियर क्लास, आया आपको समझ में आंसर? चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, है ना, जो मिस प्रिंट हो गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज किया है। और क्वेश्चन है व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। मतलब जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो स्पाइक्स के शूज़ पहनते हैं, कांटे वाले शूज़ पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न बच्चों हम देखते हैं ध्यान से। सो स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स बिकॉज स्पाइक्स प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एंड दस हेल्प इन होल्डिंग द ग्राउंड फर्मली। मतलब ये है कि जो स्पाइक्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से एक प्लेयर आसानी से होल्ड कर सकता है ग्राउंड को फर्मली, है ना, ग्राउंड में फर्मली होल्ड करके रह सकता, मतलब टिका रह सकता ग्राउंड में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है इसी के और में एक दिया है क्वेश्चन कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताइए। तो इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस देखते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स का आंसर है द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इसी का अपोजिट यहाँ देखो, द फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला डिफरेंस तो ये, दिस इज ऑब्जर्व इन ह्यूमन बींग एंड दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉग फिश स्टार फिश एटीसी एंड अदर एनिमल्स सच एस हैन काउस डॉग्स इटीसी। क्लियर हो बच्चों? ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस है। इंटरनल बॉडी के अंदर होता है ह्यूमन बॉडी के या फीमेल बॉडी के अंदर, और ये फीमेल बॉडी के बाहर की तरफ होता है। ये जनरली कॉमन होता है इंसानों में, है ना, हैंस काउ डॉग इनके अंदर होता है, और ये होता है फ्रॉग फिश और स्टार फिशेस के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इरीगेशन, डिस्क्राइब टू मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। सो स्टूडेंट्स का आंसर देखते हैं। इरीगेशन होता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल। मतलब अलग अलग समय पर क्रॉप्स को पानी देना, सप्लाई करना वाटर, इज कॉल्ड इरीगेशन, इसको इरीगेशन कहते हैं। वेन क्रॉप्स आर इरीगेटेड, जब क्रॉप्स को इरीगेट मतलब पानी दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के पास, है ना, वो पानी के साथ उसके हर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। इसकी बहुत सारी मेथड होती है बच्चों, है ना, तो हमको इसमें से दो मेथड को एक्सप्लेन करना, लिखा है डिस्क्राइब टू मेथड, तो हमने इसे इसमें से एक मेथड देखी, स्प्रिंगलर सिस्टम। दिस सिस्टम इज यूज ऑन द अनईवन लैंड, मतलब ऐसी जगह पर यूज होता है जहाँ पर ऊंची नीचे जगह है, अनईवन है, वेयर वाटर इज अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटी, जहाँ पानी कम होता है। इन दिस सिस्टम परपेंडिकुलर पाइप हैव रोटेटेड नोजल्स ऑन द टॉप ऑफ द जॉइंट इन द मेन पाइप लाइन एट रेगुलर इंटरवल। मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक मेन पाइप से बहुत सारी ऐसी ऐसी ब्रांचेस निकाल देते हैं, है ना, जिनके अंदर एक स्प्रिंगलर लगा होता है। स्प्रिंगलर नोजर क्या करता है, घूम घूम के हर जगह पर पानी पहुंचाता रहता है। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप विथ द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, वो घूमने वाले नोजल से बाहर निकलता है एंड स्प्रिंकल्ड ऑन क्रॉप। और जैसे बारिश का पानी कैसे स्प्रिंकल होता है, वैसे स्प्रिंकल होता है क्रॉप्स के ऊपर, एज इफ इट रेनिंग। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल, जो सैंडी सॉइल है वहां पर काफी काम का होता है।
ड्रिप इरिगेशन, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एज द पोजीशन ऑफ फ्रूट्स। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हम डायरेक्टली वाटर को देते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, रूट्स के अंदर। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, मतलब बूंद बूंद करके छोड़ा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। इट इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग फ्रूट प्लांट, फ्रूट प्लांट को देने का सबसे अच्छा तरीका होता है, गार्डन के ट्रीज को देने का सबसे अच्छा वे है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन पाइप टू विच लेटरल पाइप आर ज्वाइन, मतलब मेन पाइप से बहुत सारे लेटरल यानी छोटे छोटे पाइप जुड़े होते हैं। द स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल्स होते हैं आर अटैच्ड टू दीज लेटरल पाइप्स, द नोजल्स आर ग्राउंडेड जस्ट नियर द रूट। नोजल को कहाँ लगाया जाता है, ग्राउंड के पास में बिल्कुल। इट प्रोवाइड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप टू प्लांट, और ये बूंद बूंद करके पानी दे देते हैं। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इन दोनों मेथड में पानी का ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। सो इट इज़ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, ये वहाँ पर बहुत काम का होता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका इसी का, और वॉट आर एंटीबायोटिक, हाउ कैन आई एंटीबायोटिक हार्म अ ह्यूमन। एंटीबायोटिक क्या होती है और वो किस प्रकार से हमको दिक्कत पहुँचा सकती है, तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है, ये हमें ध्यान देना होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, द मेडिसिंस दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो मार देती हैं, रोक देती हैं किसकी, ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग, मतलब हमारे शरीर में जब कोई बीमारी होती है तो कोई बैक्टीरिया शायद क्रिएट करता है इनको, और उस बैक्टीरिया को रोकने की जो दवाइयाँ होती हैं है ना, वो होती हैं हमारी एंटीबायोटिक, आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब इनके नाम है एंटीबायोटिक्स के, आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया, जो फंगाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीजेस, और बहुत सारी बीमारियों से इनको हमको बचाने के लिए तैयार की जाती है। द प्रिकॉशन टू बी टेकन इन यूजिंग एंटीबायोटिक आर फॉलोस, क्या क्या ध्यान सावधानी हमें रखना होती है इन चीज़ों को लेने से पहले। दीज मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर, एक अच्छे समझदार डॉक्टर के कहने पर ही हमें लेना चाहिए। वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने जितना कोर्स बोला उतना पूरा लेना चाहिए। इफ एनीबडी टेक्स एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड हिज और हर बॉडी में डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक, तो क्या हो सकता है फ्यूचर में आप जब ये एंटीबायोटिक आप रिटर्न से लोगे तो वो काम नहीं करेगी शायद, है ना, वो उसके खिलाफ क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में आप कभी वो दवाई लोगे बच्चों तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये था बच्चों अपना मॉडल पेपर जिसको आपने तैयार कर लिया है, इसको आप देखते रहें, ऐसे बहुत सारे और मॉडल पेपर हम आपके लिए तैयार करेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें।